गृह मंत्री हाय हाय गृह मंत्री हाय हाय गृह मंत्री हाय हाय राजीनामा दो राजीनामा दो गृह मंत्री राजीनामा दो राजीनामा दो राजीनामा दो गृह मंत्री राजीनामा दो। उसके घर में घुस के मारूंगा बोला, मस्जिदों में घुस के मारूंगा बोला, उसको पुलिस संरक्षण दी। ऐसा गृह मंत्री पहले बार देखे, पहले लोगों को ईडी से परेशान करे, आप अच्छे नेता को गोलियां से परेशान कर रहे, पुलिस से नहीं हुआ तो गुंडे लाके मार रहे। ये मैं तो बोलता हूँ कि ये जो सरकार है, ये सरकार ऐसी सरकार कभी आजादी के बाद पहली आई। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सरकार इनको तड़ी पार करे शिवा रहने वाली में। ये हमारे राष्ट्रवादी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है और हमारी आने वाली सरकार हमारी रहेंगी और ये जो ऐसे लोग को हम घर को भी बिठाएंगे और सबक भी सिखाएंगे। इस महाराष्ट्र में माइनॉरिटी पर अत्याय हो रही है, मैं एक गुजारिश करते हुए देवेंद्र फडणवीस से कि वो गृह मंत्री है, उन्होंने जल्द से जल्द इस आरोपी को अटक करने को होना, यही हमारी गुजारिश है। आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से ये भव्य दिव्य ऐसा आंदोलन, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट गृह खाता जो फसवा गृह खाता है, जो गृह खाता ये बीस महाराष्ट्र में खुलेआम हत्या ही हो रही है। और देवेंद्र फडणवीस से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप गृह मंत्री है, आप इसका जो 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 पद्धति से जो हत्या हो रही है महाराष्ट्र में, तो बहुत बड़ी ये एक फसवी सरकार, या तो उनका बोल सकते हैं कि सरकार, ये सरकार नाकामी हो गई है, जो गृह खाता चला रही है वो नाकामी सरकार हो रही है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से जो आंदोलन चलाया जा रहा है पूरे महाराष्ट्र में, ये आंदोलन एक ही जिले में, पूरे महाराष्ट्र में हर एक जिले में जिलाधिकारी के कार्यालय पर ये आंदोलन चल रहा है कि गृह खाता जो पद्धति से जो गुनहगारी बढ़ी जा रही है, और बिहार जैसा वातावरण इस महाराष्ट्र में, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के माध्यम से इस महाराष्ट्र में दहशत फैलाई जा रही है, वो दहशत हम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस या फादर बॉडी की वजह से ऐसा करेंगे नहीं। ये महाराष्ट्र, ये फुलेश्वर अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, फुलेश्वर अम्बेडकर की विचारधारा का महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र में हम ऐसी दहशत, या तो ये जो कत्लेआम किया जा रहा है वो होने नहीं देंगे। और देवेंद्र फडणवीस से हम विनती करते, जो भी जिसने भी ये गुनहगारी किया है उसको ज्यादा से ज्यादा शासन हो, यही हम विनती करते। जो सरकार साथ जा रहा है वो सुरक्षित हो जाता है, सरकार साथ जाने के बाद ऐसा हो तो क्या कहेंगे इस बात का? ये दहशत करने का तरीका शुरू है, जो सरकार के साथ जाएंगा वो गुनहगार भी होगा, तो वो उनके साथ अच्छा है, बोले तो क्लीन चिट मिल जाती है उनके साथ। उनको शिंदे का कहना है आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ेंगे, हम लोगों को पकड़ लिया गया। अरे उनको सबको मालूम है कि आरोपी कौन है और क्या है, तो उन्होंने पकड़ने वाले से तुरंत ईडी इस महाराष्ट्र में माइनॉरिटी पर अत्याय हो रही है। मैं एक गुजारिश करते हुए देवेंद्र फडणवीस से कि वो गृह मंत्री है, उन्होंने जल्द से जल्द इस आरोपी को अटक करने को होना, यही हमारी गुजारिश है। क्या लगता है उन्हें मारने की धमकी मिली तो उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी, बढ़ाई नहीं गई? उनको सब गृह खाते को सब इसकी माहिती मिलती है, सबके सब उनको, उनके पास इन्विटेशन, उनके पास सभी ये जो भी हत्या होती है, या तो कोई भी कुछ होना है का, हल्ला होने का है, तो वो गृह खाते को पहले मालूम रहता है। वो क्या है, उनको दिशाभूल करने का काम है, बस दूसरा का कुछ नहीं। डॉक्टर प्रकाश इंगरे, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव मीन्स महाराष्ट्र। आज हमारे यूथ के तरफ से जो आज धरना रखे, ये है नहीं पूरे महाराष्ट्र में हमने रखे, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, ये सरकार आने के बाद जो दो ढाई साल के अंदर जो महाराष्ट्र के अंदर हत्या हो, बलात्कार हो, ज्यादा से ज्यादा जो पुलिस के ऊपर टॉर्चर हो, जो एक वो छोटा सा एक बच्चा है वो पुलिस को क्या बोलते है, पुलिस को तो साथ रखते है और पुलिस को बोलते है कि भाई क्या करिए, मेरी मोबाइल में लेंगे, औरत को बताएंगे, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही। उसके ऊपर गुनाह दाखिल है, उसके घर में घुस के मारूंगा बोला, मस्जिदों में घुस के मारूंगा बोला, उसको पुलिस संरक्षण दे रही। ऐसा गृह मंत्री पहले बार देखे, जो महाराज ने हाँ हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे, वो महाराज को आज 100 पुलिस उसको संरक्षण कर रहे, जो गुनहगार को संरक्षण दे रहे, जो एक राज्य मंत्री है आज उसको दिन वाले गोले वाले
ये कहां पे संरक्षण रहे, गृह मंत्री रहा ही नहीं। ये महाराष्ट्र में ये पहले बार घट रहा। ये जो सरकार है, ये जो बैठी शिंदे सरकार, मोदी सरकार, फडणवीस सरकार, ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। आर आर पाटिल, हमने भी 15 साल हमारा गृह मंत्री रहा, पर सबको न्याय देने का काम रखते थे और सही तरीके से चला है। ये जानबूझकर हर एक अच्छे आदमी को टारगेट कर रहे, कुछ पहले लोगों को ईडी से परेशान कर रहे, आप अच्छे नेता को गोलियां से परेशान कर रहे, पुलिस से नहीं हुआ तो गुंडे लाके मार रहे। ये मैं तो बोलता हूँ कि ये जो सरकार है, ये सरकार ऐसी सरकार कभी आजादी के बाद पहली आई। आने आने वक्त में महाराष्ट्र की सरकार इनको तड़ी पार करे शिवा रहने वाली में। ये हमारे राष्ट्रवादी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है और हमारी आने वाली सरकार हमारी रहेगी। और ये जो ऐसे लोग को हम घर को भी बिठाएंगे और सबक भी सिखाएंगे। सलमान खान उनका तो टारगेट हर एक अच्छे आदमी को टारगेट करना है, उनको देश में पूरा आतंक फैलाना है और जानबूझ के जो गुनेगार है उसको संरक्षण देना है और जो अच्छे लोगों को खत्म करना है। जो गुनेगार है वो महाराज बैठे वाला है, उसको 100 पुलिस का संरक्षण है। जो राणे का छोकरा उसके ऊपर गुना है, उसको 5-25 पुलिस उसके साथ है और मगर उसको अटक नहीं कर रहे ना, उसके ऊपर गुना दाखिल रहने के बाद उसको पुलिस साथ है। ये ऐसा गृह मंत्री पहले बार मिला, ऐसा पहले बार एक गृह मंत्री मिला कि जो गुनेगार के साथ तो, और मुख्यमंत्री भी बोला गुनेगार को बोला कि मैं मांडे को मांडे लगा रहा, बोले तेरे बाल को धक्का नहीं हुआ और नहीं होने दिया उन्होंने। मगर ज्यादा दिन नहीं चलने वाला मुख्यमंत्री साहब, लोग तुम्हारे आने वाले वक्त में ज्यादा नहीं 2 दिन बचे, आने वाले 2 महीने में तुम्हारे बताएंगे। जनता के लिए ये मैसेज है कि आने वाले जैसा लोकसभा के अंदर महाविकास को जो साथ दिए, वैसा विधानसभा में साथ दो और सरकार महाविकास की बनाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरा ये जो है गुनेगार को हम जेल में डालेंगे, नहीं डालेंगे फिर बोल देना। बाकी सब लोग सुरक्षित रहेंगे क्या? इंशाल्लाह रहेंगे। सरकारी वही से महाविकास सबको लेके चलने वाली पार्टी है, हर समाज के साथ है, हर मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई है, ऐसी महाविकास पार्टी है, सारे समाज को लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सादिया फ्रॉम R&S यूनानी एंड आयुर्वेदिक फार्मा एंड मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 ईयर से गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कामयाबी के साथ, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और गुड न्यूज उन पेशेंट्स के लिए है जो औरंगाबाद कन्नड़ तालुका के हैं, वो पेशेंट्स को अभी हैदराबाद आने की जरूरत नहीं है, तकलीफ उतनी उठाने की जरूरत नहीं है। वहां पर हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सलमान BUMS अवेलेबल है, तो इंशाल्लाह आप लोग को जिस किसी को भी पथरी की शिकायत हो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9960013800 पे कॉन्टैक्ट करिए। डॉक्टर सलमान।